जयपुर के लिए निकली घर से, लेकिन वो जयपुर ने जाके अमृतसर गई। फिर वहाँ उन लोग पहुँच के हमें बताया भी कि मैं अमृतसर आ गई, जयपुर नहीं गई। अमृतसर से कहाँ गए? अमृतसर से वो लाहौर गई। वाघा बॉर्डर होते हैं पैदल? ये नहीं पता पैदल गए कैसे गए। डेविड, पहले आप हिंदू थे फिर कन्वर्ट हुए, शादी हुई इनके साथ, ऐसा कुछ है? ऐसा देखो, हम लोग जो हैं, हम लोग भाई बर्थ हैं। मेरे जो पापा हैं उनने कन्वर्ट किया था तब से। हाँ जी, मेरे पापा के पापा दादा वो नहीं है। हाँ, मेरे पापा वो हिंदू हैं, मेरे पापा क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन। शादी कब हुई थी इनकी? शादी 2007 में हुई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मध्य प्रदेश, ग्वालियर, टेकनपुर। हाँ जी। आपको कभी आभास हुआ कि इस तरह का कोई घटनाक्रम हो सकता है? ना, ऐसे आभास तो कभी कोई नहीं थी। कभी बताया वो बहन ने आपको? नहीं, और ये कोई घटना नहीं लग रही है मुझे ये, क्योंकि वो घर से निकली है और पहले से ही हमें बताया कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले रही हूँ और घूमने जाऊंगी इधर उधर, और फिर वो यहाँ से ना प्लान बनाया घर में बैठ के कि मैं गोवा जाती हूँ। गोवा मेरे एक सिस्टर रहती हैं गोवा, उनके पास घूम के आती हूँ। फिर उनका बजट थोड़ा ठीक नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मना कर दिया, मैं जयपुर चली जाती हूँ। फिर वो जयपुर उन्होंने डिसाइड करके यहाँ से गई, वो जयपुर के लिए निकली घर से, लेकिन वो जयपुर ने जाके अमृतसर गई। फिर वहाँ उन्होंने पहुँच के हमें बताया भी कि मैं अमृतसर आ गई हूँ, जयपुर नहीं गई हूँ। हाँ जी। ये बताया कि कोई और भी साथ में है? ना, ये ऐसा कुछ नहीं बताया। अमृतसर से कहाँ गए? अमृतसर से वो लाहौर गई। वाघा बॉर्डर होते पैदल? अब ये नहीं पता पैदल गए कैसे गए। वीजा कब बनवाया था? वीजा तो नहीं पता जी, नहीं पता बना है। हाँ जी, मुझे नहीं खबर नहीं थी कि वीजा कब बना है। पासपोर्ट का पता है, पासपोर्ट तो उन्होंने पहले से बनवा रखा था। तो पासपोर्ट क्या काम करती थी वैसे वो? वो होंडा टू व्हीलर में सिक्योरिटी में थी। अच्छा, तो आपको कभी लगा कि पासपोर्ट की कोई जरूरत थी उनको, या ऐसा पहले से प्लानिंग है ऐसा कुछ? ना, ऐसा तो कोई आवाज नहीं था, लेकिन वही है, मतलब वो पासपोर्ट तो आजकल नॉर्मली बन जाता है, हर कोई बनाना चाहता है, मैं भी बनवाना चाहता हूँ, कभी मेरा बाहर जाने का मौका है इसलिए बनवाया। तो अभी आपकी बहन से बात हुई आपकी? हाँ जी, अभी बात हुई है, लेटेस्ट बात हुई है। अच्छा, मेरी बात नहीं हुई है, बच्चों से बात हुई है मम्मी की, उनकी। व्हाट्सएप कॉल कर रही हैं? हाँ जी, सिंपल कॉल नहीं कर रही? सिंपल कॉल लगी नहीं रहा हूँ, व्हाट्सएप कॉल से बात हो रही है। व्हाट्सएप कॉल से बात हो रही है, अभी उनसे कॉल हुआ है, वो कह रही है मैं निकल रही हूँ वहाँ से, मैं आ रही हूँ वापस। पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि उनकी सगाई होने वाली है, शादी करेंगे वहाँ? ना, ऐसा तो उनसे ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, सुनने में। बल्कि जीजा ने उनसे पूछा भी, क्या ऐसा सुनने में आ रहा तुम शादी कर रहे हो? तो उनका जवाब यही रहा, ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। तो फिर पाकिस्तान में किससे मिलने चली गई? पाकिस्तान में वो हमें ये बता रही, मेरी फ्रेंड है, उसके पास जा रही हूँ मैं। हाँ, फ्रेंड का कोई नाम बताया? फ्रेंड का नाम तो नहीं बताया जी, कोई नहीं बताया। अच्छा, जिस लड़के का जिक्र हो रहा है 29 साल के का, उसके लिए कुछ बोला? नहीं, उसका भी बताया नहीं। नहीं बताया, क्योंकि उसके उनके जो वीजा में उसमें मेंशन है, उसका नाम भी मेंशन है कि वो जो गया है, जिसके पास वो गई। हाँ जी। तो ऐसा कुछ बताया उन्होंने? ना, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। तो अब आप इंतजार कर रहे हैं आने का? हाँ जी, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। तो ये उनके भाई थे जिनका कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं और वो आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा, लेकिन मीडिया में लगातार पाकिस्तान से खबरें चल रही हैं कि वो शादी करने वाली हैं, वहाँ पर सगाई होगी, हालांकि पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। ये 903 नंबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें ये लोग रहते थे, फिलहाल उनके भाई और उनके पति यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ से शायद स्कूल चले गए हैं, फिलहाल यहाँ नहीं है। एजेंसियाँ रात को यहाँ पहुँची थी, पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, पूछताछ की गई है, व्हाट्सएप कॉल से बात हो रही है, नॉर्मल कॉल से कोई बातचीत पति के साथ भी नहीं हो पाई है, बच्चों के साथ भी नहीं हो पाई है। बच्चों से बात की, व्हाट्सएप कॉल पर बात की, पति से बात की, व्हाट्सएप कॉल पर बात की, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदिग्ध जरूर है। आखिर वो पाकिस्तान क्यों गई, किन से मिलने गई, वो पति और भाई किसी को भी नहीं बताया गया है। कैमरामैन आमिल के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ, भारत, भिवाड़ी, अलवर।